हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इस वीडियो की हर एक लाइन आपके काम में आने वाली है, और जिस तरीके से कमेंट्स में पूछा था, मैं वीडियो जब भी लेकर आता हूँ जब आपके डाउट्स होते हैं वो डाउट्स हम क्लियर करते हैं। तो बता दें कि ऐसे ही आज हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो वो ही क्वेश्चंस की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, और आई होप कि ये वीडियो आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें पता नहीं होती, वो अपने बैग में कैरी कर लेते हैं, एयरपोर्ट पर हमें फिर प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग के दौरान। तो प्रॉब्लम ना हो तो आइए सीधा मैं अब टॉपिक की बात करता हूँ। जैसे कि कमेंट्स में पूछा था, एक आपकी स्टील प्लेट हुई यानी कि स्टील के बर्तन हुए, क्या हम अपने साथ फ्लाइट में ट्रैवल करते समय कैरी कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये है, तो अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी स्टील की प्लेट है या फिर कोई थाली है, तो ऐसे में क्या है, एयरलाइंस हमें परमिशन देती है आप ले जा सकते हैं, बट कैसे इसको अपने जो चेक इन बैगेज होता है उसमें ही रखें, आपका जो कैबिन बैगेज है उसमें बिल्कुल भी ना रखें। तो आप ले जा सकते हैं, ऐसे में आपको एयरलाइंस परमिशन देती है, बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है यानी कि जो बैटरी ड्रिलिंग मशीन और एक इलेक्ट्रिक यानी कि जो एक बिजली से चलने वाली ड्रिलिंग मशीन और एक बैटरी से चलने वाली, तो इसमें जो क्या होता है, जो बैटरी वाली है तो उसको लिथियम बैटरी, अगर आपकी जो लिथियम बैटरी है तो वो हम फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं ऐसे में। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ड्रिलिंग मशीन का साइज डिपेंड करता है, यानी कि कितना, 7 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक उसका आप मेजरमेंट कर लें, और अगर इससे कम है तो आप ले जा सकते हैं। जो आपकी जो लिथियम बैटरी है उसे आप निकाल लें, बिना लिथियम बैटरी के आप कैरी करें, और वो भी अपने जो चेक इन बैगेज होता है उसमें कैरी करें। इस तरीके से ले जाएंगे तो आप ले जा सकते हैं। साइज का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपका इससे ज़्यादा साइज हुआ तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और यहीं पे मैं बात कर लूँ, जो आपकी बिजली से चलती है ड्रिलिंग मशीन, तो वो आप ले जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ऐसा है, इसमें भी साइज डिपेंड करता है, बट हमें ले जाना ही है, हमारे पास कोई बड़ी मशीन है। तो ऐसे में आप एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करके, इसका एक पास बनता है चेक इन के दौरान, आप अपना एक पास बनवा लें, और ट्रैवल करने से पहले एक दो दिन पहले कंफर्म कर लें कॉल करके, तो वो लोग आपको बता देंगे कि आपके जो टूल हैं उसे आप किस तरीके से ले जाएं। तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधी सी बात, ये जो भी आपके मैकेनिकल आइटम्स हैं ये आप ले जा सकते हैं, लेकिन इनका एक प्रोसेस अलग होता है। अब यहीं पर मैं बात कर लूँ तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जैतून का तेल, भाई ने पूछा था कि जैतून का तेल हम ट्रैवल करते समय ले जा सकते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए कि जो तेल वगैरह होते हैं ये एयरलाइंस हमें इसलिए परमिशन नहीं देती हैं क्योंकि ये ज्वलनशील आइटम है, इसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट इसमें भी क्वांटिटी रखी गई है कि आपके साथ जो कैबिन बैग होता है जिसे आप फ्लाइट में अंदर ले जाते हैं, तो उस बैग में आप 100 ml से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब वहीं आपको थोड़ा ज़्यादा ले जाना है, 500 ml या फिर 1 लीटर तक आपको ले जाना है, तो इस तरीके से आप जैतून का तेल अगर ले जाना ही चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बट वो आप चेक इन बैगेज में ले जाएं, और अच्छे से सील पैक होनी चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। एयरलाइंस हमें इसीलिए ही रोकती है कि आपका जो भी कंटेनर रहे या फिर कोई बोतल रहे वो डैमेज हो जाए, फिर वो ब्लास्ट करे, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से पैकिंग करें, सील पैक करें। तो इस तरीके से आप ले जाएं, पैकिंग का ध्यान रखें, बट क्वांटिटी ज़्यादा ना रखें, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 0.5 लीटर 1 लीटर ले जाएं तो चेक इन बैग में आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं बात कर लूँ कि यानी कि मेरा चौथा क्वेश्चन है 2 मोबाइल फोन, कि आप अपने साथ 2 मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। हाँ देखिए ऐसा है, कुछ ये भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछा था, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि आप अपने साथ 2 फोन आसानी से ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई आपको सवाल जवाब भी नहीं होंगे, 2 फोन आप अपने साथ ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में दोनों में। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्वेश्चन नंबर हमारा कुछ ऐसा है कि LED बल्ब, जो हमारे घर में LED बल्ब होते हैं, इसे हम अपने साथ फ्लाइट में ट्रैवल करते समय हम अपने साथ ले जा सकते हैं, और किस बैग में ले जाएं, कैसे ले जाएं, तो आइए ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। LED बल्ब का तो हमें कोई भी एयरलाइंस मना नहीं करती है, तो हम आसानी से इसे ले जा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा जब हम अपने बैगेज को पैकिंग करें, अपने सामान को पैक करें, तो चेक इन बैगेज में ऐसे आइटम रखें तो हम बिल्कुल सेफ रहेंगे।
ऐसे में आपके कैबिन बैगेज में उसमें बिल्कुल ज़्यादा आइटम ना रखें, और LED बल्ब आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं है। तो आई होप कि हमें उम्मीद है ये जो जानकारी आपकी समझ आई होगी, और ये जानकारी अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।